गाइस वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज हम लेके आए हैं रोडियो की हार्डलाइनर व्हिच इज 29 इंचेस। आप कलर देख सकते हैं। सो हम देर नहीं करेंगे, हम जल्दी से इसको रिव्यू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस साइकिल। सो गाइस दिस इज रोडियो हार्डलाइनर मॉडल, 29 इंचेस में है ये। इसका जो फ्रेम साइज है वो 16.5 है। डुअल डिस्क ब्रेक्स दी गई है आगे एंड पीछे। जो इसके रिम्स है वो डबल वॉल रिम्स है। 29 इंचेस का टायर है इनटू 2.25। टायर काफ़ी ब्रॉड है, इसका विड्थ चेक कर सकते हैं, काफ़ी ब्रॉड टायर है। अगर हम इसके बॉटम ब्रैकेट की बात करें तो फ्रिक्शन फ्री ब्रैकेट दिया गया है इसमें। जो इसमें गेयर्स हैं आपको माइक्रो शिफ्ट के दिख जाते हैं इन दी फ्रंट एंड इन दी बैक। यहाँ पे आपको 7 स्पीड के गेयर्स दिख जाएंगे यहाँ पे आपको, विच आर वेरी इजी टू शिफ्ट। काफ़ी आराम से ये शिफ्टिंग हो जाती है इसकी। माइक्रो शिफ्ट एक ऐसा गेयर सिस्टम है जो कि शिफ्टिंग के मामले में बहुत स्मूथ रहता है दूसरे गेयर्स के मुकाबले। सो दिस इज़ व्हाट यू गेट इन दिस साइकिल। अगर हम डिस्क ब्रेक की बात करें तो इसमें डिस्क ब्रेक आपको 160 mm की डिस्क ब्रेक्स मिल जाएगी पीछे रेयर में आपको एंड इन दी फ्रंट। यहाँ पर आपको क्विक रिलीज का ऑप्शन नहीं दिया गया अनफॉर्चुनेटली। यहाँ पे आपको नॉर्मल स्क्रू है, आपको ये बोल्ट खोल के ही आपको टायर खोलना पड़ेगा। वेयर इज इन दी फ्रंट ऑल्सो, यहाँ पे भी आपको कोई क्विक रिलीज का ऑप्शन नहीं दिया गया है अनफॉर्चुनेटली रेयर टायर के जैसे, पर यहाँ पे भी आपको नट से ही खोलना पड़ेगा मैन्युअली। ये चीज़ें मुझे इसमें थोड़ी ख़राब लगी, बट इट्स ओके फॉर द प्राइस रेंज, दिस इज टू एब्सोल्युटली फाइन। अगर हम इसकी सीट की बात करें तो इसकी सीट काफ़ी सॉफ्ट दी गई है, एक्जेमर की ब्रांडिंग की गई है यहाँ पे। दिस सीट इज़ वेरी सॉफ्ट, पीयू फोम मटेरियल इसमें यूज़ किया गया है। अगर हम साइकिल की साइड प्रोफाइल पे इस साइड अगर आते हैं तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा क्विक रिलीज का ऑप्शन। आपको सीट एडजस्ट करनी है, ये चीज़ आप खोलिए, यहाँ पे आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। स्टेम जो इसमें दिया गया है वो नीको का स्टेम दिया गया है, विच इज़ अगेन अ गुड स्टेम। सो अगर हम इस साइड से अगर इसकी साइड प्रोफाइल से बात करें तो यू हैव माइक्रो शिफ्ट डेरुलर्स ऑल्सो आपको रेयर में दिख जाएगा। फ्रंट में यू हैव टॉर्नी। और अगर आप इसके अगर आप टायर की बात करें तो राल्सन के इसके अंदर दिए गए हैं एक्सप्लोरर वास्को सीरीज़ जो है 29 इंच के। इसका साइज़ है टायर का काफ़ी ब्रॉड है। नायलॉन टायर्स है, यस नायलॉन टायर्स आर बेस्ट सादे टायर से, इनकी ड्यूरेबिलिटी इनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा रहती है। यहाँ पे आपको रोडियो की और एक ब्रांडिंग दिख जाएगी एंड यहाँ पे उनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है ट्रैक एंड ट्रेल उसका भी ब्रांडिंग इनने किया गया है इन साइड दी फ्रेम। यहाँ पे आपको जो इसके पैडल्स दिख रहे हैं वो केज स्ट्रक्चर में दिए गए हैं। यहाँ पे लाइट टीट्स दिए गए हैं यहाँ पे, जिससे आपको एक बेटर ग्रिप मिलती है अगर आप शूज़ में चला रहे हैं, अगर आप स्लीपर्स में चला रहे हैं। सो ग्रिप के लिए इन्हें ये चीज़ दी गई है, विच इज़ अगेन वेरी अ गुड फीचर। यहाँ पे आपको देख रहे हैं आप रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं, यू हैव टू रिफ्लेक्टर्स टायर्स में भी। इससे क्या होता है कि आप अगर आप रात को साइकिलिंग करते हैं सो दिस ये जो चीज़ है वो चमकते हैं रात को। इससे क्या होता है कि आपके पीछे अगर कोई व्हीकल आ रही है तो उनके लिए इजी रहता है और आपके लिए भी इजी रहता है ड्राइव करते टाइम। अगेन मैं ये कहूँगा जो इसका कलर है वो नेक्स्ट लेवल है, ब्लैक एंड वाइट में ये एक अलग ही लुक दे रहा है। बट आपको इसकी केयर करनी पड़ेगी बिकॉज दिस इज़ ब्लैक। अगर आपको इसमें हल्का सा भी आपका अगर इसमें पाँव टच होता है या तो कुछ ऐसे स्टोन चिपिंग्स अगर होते हैं सो इसमें आपको हल्का फुल्का स्क्रैच दिखने की पॉसिबिलिटी है। बट यस अगेन केयर इज़ एवरीथिंग। आप अगर ठीक से इसकी साफ सफाई करेंगे, क्लीनिंग प्रॉपर रखेंगे, मेंटेनेंस पूरा रखेंगे सो वो चीज़ नहीं आएगी। टॉकिंग अबाउट द स्टेम, स्टेम इसमें नॉर्मल स्टील स्टेम दिया गया है विच अगेन वर्क्स वेरी गुड। स्मूथ इसका है फंक्शनिंग, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत सॉफ्ट है, बट यस आपका जो रेगुलर आप राइड करेंगे तो उसमें आपको इसका ये चीज़ दिखेगी वाइल यू आर राइडिंग दिस साइकिल। सो
दिस इज़ अगेन ऑल्सो अ ग्रेट फीचर। एंड अगर मैं लुक वाइज बोलूँ तो एक एक वेल लुकिंग साइकिल है, काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है अगर आप दूर से भी इसको देखते हैं। अगर आप इसको लेके निकलेंगे तो फिर एक अलग ही इसका एक लुक आएगा। देन यहाँ आप देख सकते हैं एक्जमर की यहाँ भी ब्रांडिंग की गई है। सो इन शॉर्ट, अगर आप कोई साइकिल देख रहे हैं आप 20,000 के अंडर, सो दिस इज़ द ऑप्शन यू कैन गो। इसका जो मार्केट प्राइस है वो अराउंड 17,000 to 19,000 के बीच में है, 18,500 के बीच में। अगर आप प्लान करें कोई ऐसी साइकिल जो 20,000 के अंदर है तो यस डेफिनेटली आप ये साइकिल आप चूज़ कर सकते हैं। यू हैव डिफरेंट अदर साइकिल्स ऑल्सो। सो इस वीडियो के लिए ही इतना ही। प्लीज़ मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट साइकिल आपको कौन सी चाहिए। तब तक के लिए आप एक साइकिल की कुछ शॉर्ट्स देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन ताकि आपको मेरे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट्स मिले। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टाटा।